الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد। एक भाई ने सवाल किया है, क्या दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाजत लेना जायज है, क्या इजाजत ली जाएगी? तो अर्ज है, मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चार शादियों का हुक्म दिया है, चार शादियों का अल्लाह पाक ने उसको इख्तियार दिया है, और इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेनी होगी, और ना ही रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में इस बात का जिक्र किया है कि अगर आप पहली बीवी से इजाज़त नहीं लेंगे तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसका कहीं हदीस में जिक्र हमें नहीं मिलता। मर्द निकाह करने में आज़ाद है, अलबत्ता उसको इंसाफ का हुक्म दिया गया है। अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको ये हुक्म है कि वो इंसाफ करे, घर में खिलाने पिलाने में और इसी तरह दूसरे अमूर में, बारी में वो अदल व इंसाफ से काम ले। अगर वो अदल व इंसाफ से काम नहीं ले सकता तो उसको चाहिए कि वो एक ही औरत से निकाह करे, एक ही औरत से शादी करे। अगर अदल व इंसाफ को कायम रख सकता है तो फिर वो चार शादियां कर सकता है। अगर अदल इंसाफ नहीं करेगा तो कल कियामत वाला दिन होगा। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके जिस्म का एक हिस्सा फालिज ज्यादा होगा, उसको फालिज लग जाएगा। तो इंसाफ करना चाहिए, इंसाफ नहीं कर सकते तो एक बीवी ही काफी है। अल्लाह ताला हम सबको उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।